एक मजदूर को तुमने नुकसान कर दिया है, वहीं अडानी अंबानी का जो है तुम कम से 13,000 करोड़ का लोन माफ कर रहे हो एयरपोर्ट का, और इनको बेचारों को रहने के लिए कुछ नहीं है, छत भी नहीं है, रोजगार की सुरक्षा नहीं है। जब तुम रास्ते से जा रहे हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम झंडे क्यों लगाने आओगे मस्जिद में? ये सिर्फ बजरंग दल वाले है जो कर दिए, अब उसको खत्म कर दिए। अब उसको उठा के मीडिया वाले ने तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रखी है। बस हम तो ये चाहते हैं कि शांत रहे। मैं कह रही हूँ कि ये पहली बार इन्होंने रैली ऐसी निकाली, ना तो आज तक जहांगीरपुरी में हम लोग 2003 से रह रहे हैं, मगर कभी ऐसी रैलियाँ नहीं देखी थी। पहली बार ऐसी रैलियाँ देखी हूँ मैंने। भाला, तलवार, चक्कू, छोटे छोटे बच्चे ले रखे, इसका क्या मतलब निकलता? बर्दाश्त करने की भी कोई लिमिट होती है? बार बार आप टॉर्चर कर रहे हो, क्यों टॉर्चर कर रहे हो? क्या मुस्लिम है, हमारा कोई वजूद नहीं है, इसलिए आप हमें टॉर्चर कर रहे हो? क्यों कर रहे हो टॉर्चर भाई? सरकार के बच्चे आएंगे लड़ने? नहीं आएंगे लड़ने। लड़ेंगे तो आम पब्लिक के मजदूर, मरेंगे तो आम पब्लिक मजदूर मरेंगे, क्षति दोनों तरफ से होगी, बर्बादी। स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में, मैं हूँ आपके साथ फरीन सैफी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुरी में, उस इलाके में जहाँ पर एक पूरी हिंसा हुई, शोभ यात्रा निकाली गई, हिंसा भड़क गई, दोनों पक्षों पर आरोप लगा, पत्थरबाजी हुई। ये गलियाँ हैं जहाँ पर शायद कोई ना आया हो या फिर बहुत कम लोग आए हों। ये देख सकते हैं आप, ये वही मंदिर है, क्योंकि सामने हमें जाने की इजाज़त नहीं है, पुलिस ने बैरिगेटिंग की हुई है। ये वही मंदिर है, ये उसके पीछे की साइड है जहाँ पर हिंसा हुई, और जो उसके आगे एक मस्जिद भी है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी आगे चल के। लेकिन आप देख सकते हैं सामने से उधर पुलिस ने बैरिगेटिंग की हुई है, तो हम आपको आगे से नहीं दिखा सकते। ये मंदिर के पीछे की साइड, ये देखिए यहाँ पर ये जो गेट है वो बंद किया हुआ है ताकि जो लोग हैं वो अंदर ना जा सके। और ये पीछे का हिस्सा है जहाँ पर हिंसा के बाद बुलडोजर चला दिया गया। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग सर्वे के लिए भी आए हैं, इनसे पूछते हैं कि किस टाइप का ये सर्वे कर रहे हैं यहाँ पर। मैम आपका नाम? योगा माया। अच्छा, तो आप लोग किस लिए आए यहाँ पर? हम तो एफिडेविट कलेक्ट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने के लिए। अच्छा, तो मतलब किस तरह से जो लोग अफेक्टेड हुए हैं उनका कितना नुकसान हुआ, ये सब चीज़ों को लेकर? ये अफेक्टेड पार्टीज है ना, उनका एफिडेविट हम कोर्ट में जमा करना है। अच्छा, तो उसके लिए वो कलेक्ट करने के लिए आए हम। अच्छा, मतलब जितने लोगों के साथ हिंसा हुई है, अफेक्ट हुए, उन सब का एफिडेविट? हाँ, जो उसका जो डिटेल्स, पूरा डिटेल्स है ना, उन सब का एफिडेविट हम अभी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना है। तो उसके बाद उनको मुआवजा दिलवाने के लिए सब काम किया जा रहा है? हमका हमारा पिटीशन का प्रेयर है इन लोगों का कॉम्पनसेशन दिलाने के लिए भी है, तो शायद मिल जाएंगे, हमें मालूम नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, ये तो अफेक्टेड पार्टीज है ना, तो उनके लिए हमारा तो ठीक है। यहाँ पर ये लोग सर्वे कर रहे हैं, एफिडेविट बना रहे हैं, डिटेल्स ले रहे हैं, ताकि जो मामला है, अफेक्टेड जो लोग हैं उनके बारे में पता लगा सकें। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम शकील अहमद सिद्दीकी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली प्रदेश रेहड़ी पट्टी खोमचा हॉकर्स यूनियन से। मतलब यहाँ पर आप लोग सर्वे कर रहे हैं जो लोग अफेक्टेड हुए हैं, जो जिन हिंसा में घर तोड़े गए हैं? पहली बात है कि मैं रेहड़ी पट्टी यूनियन की तरफ से आया हुआ हूँ, तो हम ये सर्वे कर रहे हैं कि हमारे रेहड़ी पट्टी वालों का किसका सर्वे हुआ है, किसका नहीं हुआ है, कितने लोगों यहाँ पर जो है नुकसान हुआ है। ये जो 20 तारीख को जो बुलडोज़र चला है, इस बुलडोज़र चलाने में कितने हमारे रेहड़ी पट्टी वाले अफेक्टेड हुए हैं, उसको लेकर के हम सर्वे करें, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, रेहड़ी कितनी है। तो गवर्नमेंट से, दिल्ली सरकार से मांग करेंगे कि इनका जितना नुकसान हुआ है वो भरपाई करें, क्योंकि बिना नोटिस के आप लोगों ने जो ये काम किया है, रेहड़ी पट्टी इंक्रोचर नहीं होता है, रेहड़ी पट्टी का काम होता है अपना काम करना, काम करके अपने चले जाना, लेकिन जो रेहड़ी पट्टी का नुकसान किया है, मजदूर आदमी है, उनको मजदूर आदमी नुकसान करके क्या मिला भारत सरकार को या केंद्र सरकार को? एक मजदूर को तुमने नुकसान कर दिया है, वहीं अडानी अंबानी का जो है तुम कम से 13,000 करोड़ का लोन माफ़ कर रहे हो एयरपोर्ट का, और इनको बेचारों को रहने के लिए कुछ नहीं है, छत भी नहीं है, रोज़गार की सुरक्षा नहीं है, इसलिए हम ये सब काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से मांग करेंगे, अगर नगर निगम ने इनके साथ गलत काम किया है, नगर निगम ने जो किया है, तो हम अभी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, इसके बाद नगर निगम का हम घेराव करेंगे, ठीक है ना? मतलब ये फॉर्म है यहाँ पे, आधार कार्ड या फिर बैंक की कॉपी लेकर आप ये फॉर्म फिल कर? सर्वे हुआ है, जैसे इनका सर्वे हुआ है, देखिए मैं टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा जो सर्वे हुआ है ना, तो हमारे पास फॉर्म आ रहे हैं, ये है ना बेंडिंग सर्टिफिकेट। तो जिनका बेंडिंग सर्टिफिकेट मिल गया है,
तो वो मैं सब देख रहा हूँ, किसका सर्वे हुआ किसका नहीं हुआ। अभी एक का हुआ है कि इनका सर्वे ही नहीं किया क्योंकि 25,000 रुपए मांग रहे थे, तो उसका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, तो वो सब मैं डाटा इकट्ठा। तो अभी तक आप लोग कितनों का सर्वे कर चुके हैं, मतलब कितने लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल कर चुके हैं? अभी तो हमने आज ही भरा है, करीब शुरुआत की है, 20-25 लोग आए हैं लगभग। अभी हम काउंट करेंगे कितने लोग हैं, वो तो शाम को काउंट करेंगे। अभी 2-3 दिन हम अभियान चलाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा काम है इनको हक दिलाना, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना हुआ है 2014 में पास हो गया है, ठीक है ना। उसकी धारा 3/3 ये कहती है किसी भी वेंडर्स को ना हटाया जाए जब तक कि उसका सर्वे ना हो जाए, उसको वेंडिंग जोन में जगह ना मिल जाए और वेंडिंग सर्टिफिकेट ना मिल जाए। जब तक वेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक जो जहाँ बैठा वहीं बैठा रहेगा। ये इन्होंने क्या किया, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का भी उल्लंघन किया, ठीक है। तो जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक दंगों में बेचारे मजदूरों क्या लेना देना था, ठीक है ना। तो उसको जो नुकसान किया है ये तो प्री प्लान समझी, ठीक है ना। और जिन लोगों ने ये काम किया है वो कौन लोग थे, बेचारे लड़के थे। हमें लोगों ने बताया, बल्कि हमने देखा भी वीडियो में, कि 15-19 साल के लड़के हैं बेचारे, जो आकर के तलवार ये सब लिए हुए, धार्मिक उन्माद पैदा करके। अब रेहड़ी पटरी वालों में भी धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, तो ये कितना है, ये संविधान की पूरी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यानी जो हमारी गंगा जमुना की तहजीब है, उस तहजीब को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। और चूँकि चुनाव में, क्योंकि इनका काम होता है, काम तो उन्होंने किया नहीं, अब रेहड़ी पटरी वालों के लिए आम मजदूरों कोई काम तो किया नहीं, तो अब उसको छुपाने के लिए इनका मतलब ये है कि जनता को धार्मिक उन्माद पैदा करके हिंदू मुसलमान में बांट दो और सत्ता हमारी कायम रहे। और जो लोग ये लोग बजरंग दल हैं या जितने लोग हैं, इनमें है क्या, ये लोग सीधे भी बेरोज़गार हैं, जिनको दिए बेरोज़गार हैं, तलवार लिया बेरोज़गार हैं। अब उनके माँ बाप से पूछो, तुम बच्चों को वहाँ भेज रहे हो तो इससे क्या होगा, क्या रोज़गार मिलेगा उनको? भाड़े के वो लोग आते हैं, भाड़े के उनको भेजा गया, उन्होंने बाकायदा सब काम किया, धार्मिक उन्माद पैदा किया, चले गए, ठीक है ना। तो अब सवाल ये है कि बेरोज़गारी का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लोग सर्वे करने आए हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, अलग अलग तरीके सर्वे हैं। कुछ इधर की साइड वो लोग हैं जो एफिडेविट बना रहे, कोर्ट में इसकी अर्जी देंगे, और कुछ उधर साइड वो लोग हैं जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम कर रहे हैं। इधर बात कर रहे हैं। मैम आपका नाम? मेरा नाम हनीफा है। अच्छा, आप यहीं रहती हैं? हाँ। अच्छा, तो जब हिंसा हुई, बुलडोजर चलाया गया, आपका भी नुकसान हुआ? मेरा पूरा दुकान चला गया। मेरा दुकान में जो पक्की दुकान बनी हुई थी उसमें मेरा ठिया बना हुआ था, सीख कबाब का पूरा ये बना हुआ था, मोबाइल है तो उसमें पूरा ठेली बना हुआ था, वो आपको भी दिखाया हूँ, चूल्हा समेत पूरा तोड़ के पूरा लेके चला गया, और उल्टा ऊपर से छप्पर भी तोड़ दिया, दीवार विवाल सब तोड़ ताड़ के रख दिया, और उल्टा मैं पंखा उठाने गई तो पुलिस वाले भगाया मुझे। तो 5 दिन से, मेरा कहने का मतलब है 5 दिन हो गया है, इन लोग इतने पुलिस वाले गार्ड दे के, तो फिर भी इन लोग कैसे बुलडोजर चलवाया। हम लोग को तो इतना बोल सकते हैं तुम दुकानदार सामान हटा लो, लेकिन पुलिस वाले भी नहीं बोला, एकदम अचानक पुलिस वाले, कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, ला के बुलडोजर चला दिया। अच्छा, तो आपकी दुकान कहाँ पर थी, क्या मंदिर के बराबर? नहीं, 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 मेरा मस्जिद के नीचे है, मस्जिद के नीचे है, 9 नंबर मेरा दुकान का नंबर है, और मेरी अपनी दुकान है। तो मेरी बाहर तो सारे तोड़ फोड़ कर रख दिया, शटर भी तोड़ दिया, अभी भी देख सकते हो, सुबह 5 बजे लोग जाने देते हैं, कभी भी आ सकते हो तो मैं दिखा सकती हूँ। अच्छा, तो कितने का नुकसान हुआ, और ये जो अभी वो हो रही है हिंसा, ये पहले भी कभी ऐसी हुई है? जिंदगी में पहली बार हुआ है, मेरी जन्म यहीं की है, मेरी चौड़ी गली में मेरी जन्म है, हमारी माँ बाप भी यहीं गांव की है, लेकिन कभी भी जिंदगी में हमने कभी भी नहीं देखे। अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मेरा जन्म ही यहीं पर है, तो मेरे को मेरा उम्र चल रही है 35, तो मैं तो जब से आज समझ लो 25 साल से दुकान में संभाल रही हूँ, जब से कभी भी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं हुआ। ये तो एक प्रोग्राम पहले से बना के रखा था, हमारी मुसलमान में हाथ में कोई औजार नहीं था, हिंदुओं का हाथ में तलवार कभी ये लेके चल रहा था। हाँ दीदी, तो ये तलवार लेके रखे थे, वो तलवार ने एक दुकानदार ने मना करा, मना करने के बावजूद भी वो तलवार लेके उनको मारने जा रहा, कभी 2 थप्पड़ भी मारा। जब जाके मस्जिद का आदमी आया, जब जाके ये हमला उन्हीं लोगों के तरफ से हुआ, हमारे मुसलमान के तरफ से कुछ नहीं हुआ। रैली निकल गया, एक दफ़ा नहीं है 3 दफ़ा, फिर भी वो लौट के आके मोटरसाइकिल में आके फिर भी हमला क्यों करा? ये किसका किसका प्रोग्राम था, हमारे मुसलमान का क्या, वो हिंदुओं का?
जब तुम रास्ते से जा रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम झंडे क्यों लगाने आओगे मस्जिद में? कुछ उन्मादी भीड़ है, वरना हिंदू मुस्लिम तो यहाँ पर भी एक साथ है। हम लोग कभी लड़ाई नहीं हुआ, कभी भी ये नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम कभी भी हम लोग का ये नहीं है। उधर मस्जिद है, इधर मंदिर है, हम लोग का कभी हिंसा हिंसी नहीं हुआ और कोई ये नहीं है। हम भाई भाई करके चलते हैं, हम एक दूसरे को बहुत ये करते हैं। लेकिन ये बाहर वाले आके ये मस्जिद के आदमी को मारना, झंडी टांगना, तलवार लेके ये करना, नाम मुसलमान का हाथ में तुम्हारा बंदूक देना, नाम दे देता है, ये तुम चलाए हो, ये गलत है ना? किसी का घर से उठा के लेके जाना, ये करना। अच्छा आंटी, आप कुछ बोल रही थी, मैं आपसे पूछूंगी। आप यहीं रहती हैं? जी। कितने साल हो गए? हम तो आ गया दिल्ली, तो हमारी जो हस्बैंड है वो हमारी सास ससुर सब हो गया यहाँ पे, 40 साल हो गया। हम बहू हैं उसका, अभी हम आ गया, फिर भी 15 साल हो गया हम आया। तो आपका भी कुछ नुकसान हुआ था? नुकसान हुआ, हमारी दुकान टूट गया, हमारी दुकान भी टूट गया और बहुत कुछ नुकसान हो गया था हमारा, बहुत कुछ नुकसान, सामान सारा। आपकी दुकान कहाँ पे थी? मंदिर के पास थी, सामने थी, सी ब्लॉक के एक मंदिर का सामने थे। अच्छा, मंदिर के सामने दुकान? जी हाँ। अच्छा, तो मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ? पहले तो हम आज जितना साल से आया कभी ऐसे नहीं बात ऐसे नहीं देखा, जो हिंदू मुसलमान के भेदभाव कभी नहीं देखा। हम भी हिंदू का घर का खाना खाता है, हिंदू लोग भी हमारे घर पर खाना खा के जाता है, अभी पंडित तक भी हमारे घर पर आके खाना खा के जाता है। ऐसे बात नहीं है हमारा जो कभी हिंदू मुसलमान के भेदभाव है, ये बात ऐसे बात कभी भी नहीं हुआ, आज पहली बार देख रहा हूँ ऐसे बात। अच्छा, तो क्या कारण हो सकता है इन सब चीज़ों का? हुआ था पहले एक जय श्री राम का वो नारा निकलाया था, बहुत बड़ा नारा निकलाया था, उसी टाइम 2 बजे गरीब मस्जिद में नमाज चल रहा था, पूरा नारा मार्केट से आ रहा है, उससे बाद बोल रहा है मस्जिद का तरफ मत जाओ, अभी नमाज पढ़ रहे, जाएगा तो ऐसे नॉर्मल जाओ, देख मत बजाओ, ऐसे उसको मना कर रहा था जो देख मत बजाओ, वो बात सुना नहीं था। फिर भी हम लोग का जो मुसलमान जो भाई भाई है वो लोग थोड़ा आगे खड़ी होके बोले भाई तुम लोग सब इधर से चले जाना, मस्जिद को नमाज चल रही है, तब वो उसी टाइम चले भी गया, सब बात ही खत्म हो गया था। उससे बाद 6 बजे गेरी पापा दोबारा आया, आके एकदम उस टाइम हम लोग खुद ही हम देखा बैठ के, हम लोग खुद ही बोला इतना तरुआ चाकू लेके जो ना जुलूस निकाल रही है, हमारे में भी तो जुलूस निकालती है, जो मुहर्रम निकालती है, नबी दिवस निकालती है, हमारे में जो भी तलवार निकालती है, हमारे साथ तो पुलिस रहती है, इसके साथ पुलिस क्यों नहीं है, पुलिस फौज क्यों नहीं रखा था, ये ऐसे चाकू छुरी लेके नारा क्यों निकाल रही है, हम लोग खुद बताया था वहाँ पे, ऐसे बात बोला। उससे बाद 6 बाद अब दोबारा लोग आया, जाने का बाद भी दोबारा आया, इससे मतलब क्या है? वो खुद जबरदस्ती एक गाड़ी लेकर आया था, उसका साथ फिर 2-3 पुलिस लेकर आया था, लड़ाई लगाने के लिए लेकर आया था, ऐसे इसी तो कोई भी समझाए, आप भी समझाएगा जो है ये दोबारा आने का मतलब क्या है। और आया उसका बाद पता नहीं मस्जिद का सामने, उसका पहले आराम से चले गए थे, फिर दोबारा ऐसे आया था। हाँ, पहले आराम से चले गया था, फिर तीसरा बार वो आया था ऐसे, तीसरा बार आके कुछ मस्जिद में क्या झंडा वंटा गाड़ने गया था, ये लोग भी वहाँ पे मौजूद था। आप अपना मंदिर में झंडा गाड़ेगा तो आप लोग देखेगा बैठ के? नहीं देख पाएंगे। हमारा मस्जिद में भी कोई भी तो है नमाज 5 पढ़ने से, उसे झंडा गाड़ने गया था, उसी टाइम उसको 1-2 बात से ऐसे लफड़ा हुआ, नहीं लगे भी ऐसे बात से लफड़ा नहीं हुआ था। मस्जिद के अंदर घुस गए उससे फिर लफड़ा हुआ? हाँ, तो जब मस्जिद के अंदर घुस गई तब उस पर जाके लफड़ा हुआ, ऐसे बात। तो यहाँ पर जो हिंदूज हैं, मुसलमान हैं, सब एक साथ रहते हैं, लेकिन वो कुछ उन्मादी भीड़ थी जो आती है मस्जिद के अंदर घुस जाती है, वहाँ पर झंडे गाड़ने लगती है, ये सब चीज़ें होती हैं जिससे पूरी हिंसा भड़कती है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शादाब। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो दुकान थी आपकी जब बुलडोजर चढ़ा तो? रेंट पे थे, दुकान हमारी रेंट पे। अच्छा, रेंट पे दुकान है। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ? मैम हो गया होगा कम से कम, काउंटर वगैरह भी था, ऊपर की साइड वगैरह भी थी, सारी टूट गई, कम से कम 25-30 हज़ार रुपए के आसपास नुकसान है। तो आपकी दुकान है किस तरफ है? मस्जिद के नीचे। अच्छा, मस्जिद के नीचे। किस चीज़ की दुकान है? मोबाइल पार्ट्स की। अच्छा, तो ऐसा कभी इससे पहले यहाँ पर हुआ है? फर्स्ट टाइम है, पहली बार देखा हमने ऐसा, कभी इससे पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मतलब क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इन सब चीज़ों के पीछे? मैम कारण क्या यही है, क्या बताएं कारण, बाकी कुछ नहीं था, यही था, नॉर्मली बात थी, ये तो बात बढ़ गई है और कुछ नहीं थी, नॉर्मल थी, ये तो मीडिया वालों के थ्रू और बाकी जो नॉर्म वैसे हैं उनके थ्रू ज़्यादा बात बढ़ गई, बाकी बात कुछ भी नहीं थी। अच्छा, तो आप आए किस लिए? आप हमारे पीछे झुग्गी है ना। अच्छा, तो झुग्गी में क्या हुआ? तोड़ फोड़ तो हो गया, अब झुग्गी में क्या होगा? अच्छा, झुग्गी भी तोड़ दी। हाँ। अच्छा, कहाँ पे थी झुग्गी आप? ये पीछे।
ये तो मस्जिद वाली मस्जिद के पास पीछे पीछे रोड में जो मस्जिद के साइड में जो तोड़ दिया ना उधर। अच्छा, तो मतलब ऐसा कुछ हुआ है इससे पहले? इससे पहले तो कुछ हुआ नहीं है, ना लड़ाई हुआ ना झगड़ा हुआ। सामने मंदिर भी है मस्जिद भी है, कभी तो कुछ हुआ नहीं। अब हुआ ये देखो, उन लोगों को देने रे और खाली सीप लोग को ढोल ढोल के दे दे। अच्छा, मतलब यहाँ पर साफ बात ये है कि सब लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ उन्मादी भीड़ आती है जो हिंसा फैलाने का काम करती है, वो यहाँ पर आती है और हिंसा फैलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे घर है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ घर, ये देखिए यहाँ पर ये लगी हुई है, एक मूर्ति की फोटो लगी हुई है, पूरी स्टिकर लिखी हुई है यहाँ पर, शुभ दीपावली लिखी हुई है। तो ये एक हिंदू का घर है और ये बराबर में यहाँ पर आगे मुसलमान के घर हैं, सब एक साथ रहते हैं यहाँ पे। लेकिन फिर उस दिन क्या हुआ ऐसा, जो हिंसा भड़क गई यहाँ पर, आपस में पथराव होने लगा, आपस में जो एक साथ रहने वाले लोग हैं उनमें थोड़ा मतभेद बढ़ गया, इतनी लड़ाई बढ़ गई कि यहाँ पर फोर्स बुलानी पड़ी, यहाँ पर बैरिकेड्स लगाने पड़े। यहाँ पर सब एक घर हैं जिनके पहचान नहीं की जा सकती कि कौन हिंदू का है कौन मुसलमान का घर है यहाँ पर। लेकिन फिर भी जो ये मोहल्ला है एक साथ रहता है, ये यहाँ पर इसका पता नहीं लग पा रहा है ये घर किनका है। लेकिन मैं आपको आगे, अच्छा क्या, अच्छा ये सारे मुसलमान के घर हैं। अच्छा, मतलब साथ रहते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर ये बच्चे बता रहे कि मुसलमान का घर है, सब एक साथ रहते हैं यहाँ पर। थोड़ी सी आगे वो मस्जिद भी है जिसमें तोड़फोड़ हुई, मैंने आपको पीछे भी दिखाया कि वो मंदिर है जहाँ पर, जहाँ तक बुलडोज़र आता है लेकिन मंदिर को कुछ नहीं होता। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये मस्जिद जो नबी हुई है उसकी फ़ोटो लगी हुई है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर ये मुसलमान का एक घर है। आगे भी देखिए, यहाँ पर ये थोड़ी मार्केट भी लगी हुई है जहाँ पर ये टोपी वगैरह मिलती हैं। पूरा माहौल है यहाँ पर, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता कि जिससे आपको लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा भड़के हुए लोग हैं, हिंदू मुसलमान होती है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से मीडिया में दिखाया गया वो बहुत ही दुखदायक था कि यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह से लोग भड़के हुए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं। सर आपका नाम क्या है? मैं कुछ बयान नहीं दूंगा। क्यों? बहुत थक चुका हूँ, आप नहीं दे सकते। अच्छा, तो मतलब आपकी दुकान भी है यहाँ पर? हाँ है। इसमें तोड़फोड़ हुई? नहीं, उसमें मेरा नहीं, हमारा अंदर है। अच्छा, आपकी दुकान अंदर है जी। अच्छा, तो मतलब क्या इससे पहले कुछ हुआ है यहाँ पर ऐसा कभी? नहीं, ऐसे कुछ कभी नहीं हुआ। तो मतलब क्या कारण रहे कि अचानक से यहाँ पर हिंसा भड़क गई? इस बात का तो हमें भी पता नहीं जी, जो रोजे का टाइम था उस टाइम, अब सब तो अपने अपने आदमी रोजे खोलने का टाइम चक्कर दे, उस टाइम किसने क्या करा नहीं करा हम लोगों को मालूम। हमें बाद में पता लगे कि बारह से भगदड़ मची है, अभी कोई लड़ाई नहीं हुई है, इसलिए भगदड़ मची है, पत्थर फेंका फेंकी हुई है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, जितने मीडिया वालों ने ऐसे उछाला इस बात को। सर आपका क्या नाम है? तो क्या वजह रही यहाँ पर जो एक पूरा यह माहौल बनाया गया? जी मैम देखो, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, बात करके थक गए हम लोग, ठीक है ना, उसके बारे में बात नहीं कर सकते। हाँ, उसके कारण जो हमारे बिजनेस में पड़ा असर या कारोबार में असर पड़ा उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि कारोबार बिल्कुल ठप हो चुकी। अच्छा, है वो जो भीड़ थी वो के यहाँ पर आपकी जान पहचान वाले कोई थे? सब सुनिए मैम, मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, जो दंगे के कारण क्या हुआ या नहीं हुआ, किस कारण हुआ, उससे बात कर करके हम लोग हताश हो चुके हैं। मेन बात है हम लोग हताश हो चुके हैं, उसके बारे में और बोलने नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि आपस में आप मिलजुल के रहते रहे, शुरू से जो रह के आ रहे हैं अब भी मिलजुल के रहने वाले, ये सिर्फ बजरंग दल वाले है जो कर दिए, अब उसको ख़त्म कर दिए। अब उसको उठा के मीडिया वाले ने तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा के रखी है। बस हम तो ये चाहते हैं कि शांत रहे। ये देखिए जैस जब से हुआ है अब तक का एक हफ्ते हो गया, वो शायद एक हफ्ते में कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, जो रोज़ हमारे के कमाने खाने वाले वो बिल्कुल बेचारे बिल्कुल परेशान है, कुछ नहीं है। और मतलब एक तो पहले से महंगाई है, बेरोजगारी है, ऊपर से इस वजह से और ठप हो गया। ठप तो इस वजह से ठप यानी कि बिल्कुल ठप हो गया, वैसे ही महंगाई कमार था आम पब्लिक के ऊपर, जो रोजाना काम कमाने खाने वाले के ऊपर वैसे ही महंगाई कमार था। अब ये एक हफ्ते से बिल्कुल रोजगार बंद है, यहाँ से मोहल्ले से किसी को ना काम पर जाने दे रहे ना कुछ कर रहे। आज फिलहाल आज का डेट से, आज सुबह से मॉर्निंग से सब अपने अपने काम पे गए, शांत का माहौल है और ऐसे ही हो जाना होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटाए सही है। मतलब माहौल जब से हिंसा भड़की उसके बाद से आज थोड़ा ठीक है, लोग काम पे अपने जाने लगे हैं, जिस तरह से
कारोबार बिल्कुल बंद कर दिए गए थे। ये देख सकते हैं काफ़ी दुकानें, और देखिए ये वही मस्जिद है जिसके सामने जो हिंसा हुई पूरी, जामा मस्जिद इसके पीछे की साइड है, क्योंकि आगे की साइड जाने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस वालों ने बैरिकेटिंग की हुई है। ये मैं आपको पीछे की साइड दिखाना चाहूँगी, इसके आगे का जो चबूतरा था वो बुलडोजर से तोड़ दिया गया जहाँ पर पूरी हिंसा हुई। ये वही मस्जिद है जहाँ पर कुछ लोगों ने ऊपर चढ़ के झंडे लगाए और पूरी हिंसा को जन्म दिया। ये यहाँ पर दुकानें भी हैं, काफ़ी सारे घर हैं, पता ही नहीं चल रहा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सब इतनी प्यार से आपस में एक साथ रहते हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं जो भीड़ बनकर आती है पूरी, क्योंकि जो यहाँ पर रहने वाले निवासी हैं वो कभी भीड़ तंत्र नहीं हो सकता। ये देखिए, या ये बिल्कुल पीछे का एरिया है जहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया था हिंसा के बाद, ये बिल्कुल उसके पीछे की ही गली है। यहाँ पर लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये मुस्लिम का घर है, यहाँ पर ये अरेबिक में लिखा हुआ है, इससे हमें पता चल पा रहा है क्या कौन हिंदू का घर है कौन मुसलमान का। लेकिन बिना इसके कोई पता ही नहीं है, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन सर, आपका नाम क्या? अच्छा, तो ऐसा कभी पहले हुआ है इससे, जिस तरह से हिंसा हुई? कभी नहीं। तो फिर क्या कारण रहे जो ऐसी हिंसा भड़क? ये तो आया बस, उन लोगों का जुलूस दो दफा निकल गया, तीसरा दफा में अब क्या हुआ नहीं हुआ था नहीं हम यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे हिंदू जो मुसलमान है दोनों ही बोल रहे हैं कि हम भाईचारे से आपस में रहते हैं। आज नहीं है, 40-45 साल 76 से जब से बैठा है कोई हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं। मतलब जो यहाँ के आपसी लोग हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं है, वो बाहर की भीड़? वो बाहर का हो सकता है, यहाँ का कोई नहीं है, यहाँ का तो सब एक ही साथ में रह रही है, कोई भेदभाव नहीं। हाँ, यहाँ पे आसपास कोई हिंदू के घर है? नहीं, यहाँ पे है नहीं, किराए में है किसी किसी का। अच्छा, मकान में। यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब मोटे तौर पे सारी बातें यही निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, सब एक साथ रहते हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, देखिए बाहर बैठी हुई हैं, चबूतरे पे बैठी। मैम, आपका नाम क्या? हमारा नाम जन्नतुन बीबी है। अच्छा, तो क्या हुआ उस दिन जैसे हिंसा भड़की फिर बुलडोजर चला दिया गया, क्या आपका भी कुछ नुकसान हुआ? हाँ, हमारा भी नुकसान हुआ था, जिस दिन लड़ाई हुआ था हमारा मोबाइल का जो ढक्कन फक्कन दुकान लगाया था रेडीपेडी था, वो भी सब कबाड़ा वो भी लेके गया था। अच्छा, जिस दिन हिंसा हुई थी उस दिन ही? हाँ। अच्छा, तो आपकी दुकान कहाँ पर है? काली मंदिर के सामने रोड पे। अच्छा, काली मंदिर के सामने है सर, लेके गया, छोड़ के भाग गया उन लोग और वो सारा लिखे गया। अच्छा, मतलब एक तो भीड़ थी, ऊपर से जो सामान दिखा वो सब भी ले गए? हाँ, वो भी लेके गया, छतरी था, रेडी था और सामान भी था, मोबाइल का जो टैच होता है और कवर होता है सब होता ना, वो सारा लिखे गया। बहुत हो गया उसका, आगे भी नहीं बढ़ा। जैसे तो हमारा शहर कबाड़ी बाजार में, हम सब क्या करते हैं कबाड़ी बाजार में, हमारा शहर सब रेडी लगाते हैं, हमारा आदमी वही रेडी पटरी, अगर हम तुम लोग लेके चला जाओगे रमजान का महीना, हम क्या खाएंगे? बच्चे बच्चे भी हमारे रोज़ा रखते हैं, 10 साल का बच्चे भी रोज़ा रखते हैं, आज हम कैसे कैसे रोज़ा रख रहे हैं, पानी पी के चावल में पानी डाल के खा के। अच्छा, आपकी भी दुकान थी जिसका नुकसान हुआ है? हाँ, सबका रेडी पटरी था, उधर तो सबका ही था, सब ऐसे रेडी लगा के। हम तो खाते हैं, गरीब लोग हैं, हम का अमीर है, रेडी लगा के थोड़ा बहुत जो जैसा दुकान करते हैं हम खाते हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? जैसे हमारा सास ससुर जब से जहांगीरपुरी बैठा, जब उन हमें रहते थे, जब से जहांगीरपुरी बैठा तब से हमारा सास ससुर इधर ही है, और हमारा शादी का 30 साल हो गया, हम इधर ही है। मतलब 30 सालों में आपको कभी ऐसी कोई हिंसा देखने को नहीं मिली? सब आपस में प्यार से, आपस में बात करते हैं, हर बार बजरंग दल का रैली निकलता है, कभी लड़ाई ही नहीं होता। इस बार तो बार बार घूम घूम के आ रहा, बार बार घूम घूम के आने के वजह से अंसार ने इतना रुकाया। ये लोगों का लक्ष्मण झूला भी जाता है जो कंधे में करके लेके जाता है, कंधे में पता नहीं कौन सा ठाकुर लेके जाता है, लक्ष्मण झूला बोलता है, वो भी जाता है, फिर भी कभी ऐसे नहीं हुआ। क्या बोल रहे हो? मेरा जीना तोड़ दिया, मेरा रेडी तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? सरिका बीबी। अच्छा, तो कहाँ पे दी आपकी दुकान? कुशल चक। अच्छा, तो मतलब आपकी जीना तोड़ दिया, दुकान तोड़ दी? वो ना 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 जाने आने के दिक्कत हो रहा है। अच्छा, तो किस चीज़ की दुकान थी आपकी? वो रेडी का दुकान। अच्छा, रेडी लगा दी तो वो सब तोड़ दिया? तोड़ दिया, बस जीना भी तोड़ दिया, ऊपर मेरा ऊपर घर है वो जीना भी तोड़ दिया। अच्छा, आप कितने सालों से रहती हैं यहाँ पर? 30-40 साल हो गए। अच्छा, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे इस बार हुआ है?
मैं कह रही हूँ कि ये पहली बार इन्होंने रैली ऐसी निकाली ना, तो आज तक जहांगीरपुरी में हम लोग 2003 से रह रहे हैं मगर कभी ऐसी रैलियाँ नहीं देखी थी। पहली बार ऐसी रैलियाँ देखी हूँ मैंने। भाला, तलवार, चक्कू, छोटे छोटे बच्चे ले रखे, इसका क्या मतलब निकलता आप ही खुद ही बताइए। अब ये इतने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आप हथियार डालोगे, इससे क्या साबित करना चाहते हो? कुछ तो गलत साबित करना चाहते हो। मस्जिद है, मस्जिद के सामने आके आप रैलियाँ रोक रहे हो, रोक के और कह रहे हो जो हिंदुस्तान में रहेगा वो जय श्री राम कहेगा। क्यों कहेगा? हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान सबका है और सबका है, सबको मिल के रहना है। सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का। अगर जिसके अंदर इंसानियत है वो समझो कि हर धर्म का वो करेगा, समझे। मगर यहाँ तो लड़ाई जानबूझ के कर रहे, क्यों कर रहे हो लड़ाई भाई? आप अपने को जो आपको हो आप हाथ जोड़ के करते हो, हम हाथ ऐसे करके नमाज पढ़ते खुदा के आगे हैं। बर्दाश्त करने की भी कोई लिमिट होती है? बार बार आप टॉर्चर कर रहे हो, क्यों टॉर्चर कर रहे हो? क्या मुस्लिम है, हमारा कोई वजूद नहीं है, इसलिए आप हमें टॉर्चर कर रहे हो? क्यों कर रहे हो टॉर्चर भाई? आप भी अपना धर्म खुशी से ले भाई, हम अपना धर्म खुशी से निभाएंगे। आप एक जगह हिंदुस्तान कहलाता किस लिए? हर तरह का फूल है यहाँ, हर तरह का खिलेगा गुलदस्ता, एक सभी तरह के फूल गुलदस्ता में कितने अच्छे लगते हैं। सबको लेके चलो। अगर हम आपके इसमें कुछ कह रहे हैं तो हमसे आपकी शिकायत है तो आप हमसे कहिए ना, हैं। लड़ाई झगड़ा करने से क्या होगा? देखो सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका और हमारा, हैं। कुछ बिगड़ेगा सरकार का? कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो लड़ाई लगवा देंगे हिंदू मुस्लिम करके, हैं। और हम लड़ेंगे किसका? अगर जाहिर सी बात है आप हमें दो थप्पड़ मारते, जाहिर सी बात हम तो एक थप्पड़ मारेंगे ही ना आपको। नसीहत तो नुकसान तो आपका भी होगा, नुकसान हमारा भी होगा, होगा ना दोनों का। तो हमें तो यही कहना कि भैया देखो मिलजुल के रहो प्यार मोहब्बत से, ये देश हिंदुस्तान है, सबका देश है, समझे। अच्छा, वो जो लोग थे वो बाहरी लोग थे? अब ये मुझे नहीं पता बाहरी थे या कहाँ से आए थे, मगर मैंने लाइफ में बता रही हूँ ना, पहली बार हमने देखा आदमी रैली के और सारे आदमी थे। ऐसे क्यों निकाल रहे हो? ये तो नहीं है कि आज कोई कहोगे कि चलो हनुमान जयंती आज है, आज उनका शोभा यात्रा नहीं कर, कितनी बार निकली है, मगर मैं बता तो रही हूँ मैंने पहली बार ऐसी देखी है। अच्छा, तो क्या कारण हो सकते हैं इन सब चीज़ों के पीछे? कोई कारण क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता क्या कारण है नहीं कारण, मगर हमने जो देखा है वो बताया है हमने आपसे। अब कारण क्या है ये तो वही जाने, समझे। ये तो सोच के ऊपर डिपेंड, कुछ नहीं हिंदू मुस्लिम करके लड़वाएंगे, लड़वा के क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। सरकार तो नहीं आएगी लड़ने, सरकार के बच्चे तो नहीं आएंगे लड़ने, सरकार के बच्चे आएंगे लड़ने? नहीं आएंगे लड़ने। लड़ेंगे तो आम पब्लिक के मजदूर, मरेंगे तो आम पब्लिक मजदूर मरेंगे, क्षति दोनों तरफ से होगी, बर्बादी। पर कुछ नहीं है ना, बस देखो आप भी, अब जो आपको ऊपर वाला दे रहा आप खा रहे हो, जो हमें दे रहा वो हम खा रहे हैं। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, हम अपने धर्म का पालन करेंगे। हमें तो यही कहना भैया एकता बना के रखो, ये सरकार कुछ नहीं करेगी। यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम है सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे, मिलजुल के आज से नहीं कितने सालों से है, जमाने से है सब, कभी आपने कुछ सुना है? ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ। हम तो यही कहेंगे देखिए आपस में मिलजुल के रहिए, एकता बनाए रखिए, समझे। और इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं होता है, जिसके अंदर इंसानियत है वो सबसे बड़ा धर्म है। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। यहाँ पर सब लोग रहे हैं आपस में मिलजुल के रहे, एक गुलिस्ता है जिसमें हर तरह के फूल है, लेकिन जो ये भीड़ आती है लोगों को भड़काने का काम करती है, झंडे लगाती है, मस्जिद में घुस जाती है या कहीं और चली जाती है, लोगों को आपस में भड़काती है, ये जो भीड़ है इस पर कार्यवाही क्यों नहीं होती? जबकि जो लोग हैं वो आपस में रहना चाहते हैं। आप देख सकते हैं गली बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल पीछे अब यहाँ पर एक गेट आ गया है। हर गली के जो शुरुआत में भी और एंड में भी एक गेट लगाया हुआ है जिससे गली को बंद किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो गेट है वहाँ पर कुंडी भी कहीं कहीं पे कुंडी भी लगाई हुई है। ये बाहर वहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं ताकि जो लोग हैं वो अंदर बाहर ना आ सके और जो यहाँ का माहौल है उसको नियंत्रण में किया जा सके। लेकिन सवाल यही उठता है जब पुलिस ने इजाज़त नहीं दी थी तो फिर किस तरह से शोभा यात्रा निकाली जाती है, पूरी भीड़ को भड़काया जाता है, तरह तरह के नारे लगाए जाते हैं ताकि जो लोग हैं आपस में भड़कते रहें। यहाँ पर ये दुकान है। सर आपका नाम क्या है? सफीजुद्दीन जी। सफीजुद्दीन। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर उस दिन का पूरा माहौल बना, कभी ऐसा कुछ पहला हुआ है? ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ। लेकिन कितने साल हो गए? मेरा तो पैदाइशी यहीं पर है। अच्छा, फिर भी कितने साल? मेरा 38 साल उम्र हो गया। अच्छा, तो मतलब कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है? तो मतलब क्या कारण हो सकता है अचानक से ऐसा हिंसा भड़कवाना? पता नहीं, कोई वोट बैंक के लिए कर सकता है, कोई और कुछ के लिए कर सकता है, अब किसका क्या बोले। अच्छा, आपका घर है यहाँ पर? हाँ, ये मेरा घर है। अच्छा, ये अंदर घर है, बाहर दुकान चलाते हैं आप? नहीं नहीं, मैं यहीं पर। अच्छा, बाहर नहीं, मतलब ये दुकान लगाते हैं? अंदर घर लॉकडाउन से बैठा हूँ, अभी काम धंधा कुछ नहीं है।
लॉकडाउन, एक तो लॉकडाउन लग गया, ऊपर से ऐसी हिंसा हो गई, जो धंधा था वो भी खत्म हो गया। अब सिर्फ एक ही काम करना है, मेहनत करना है, अपना कफन खरीदना है, कफन खरीद के घर पे रख दो, सही रहेगा। अच्छा, जिस तरह से लोग बोल रहे हैं आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं धार्मिक रूप से, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं एक साथ? शुरू से ही, मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरा जब से दिमाग खुला है तब से मैं देख रहा हूँ सब मिलजुल के ही रह रहा है। अब पता नहीं क्या चक्कर है, अब आपस में लड़ने लग गए, मरने लग गए, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबकी मिली जुली राय यही है कि सब लोग यहाँ पे आपस में रहते हैं। मैम आपका नाम क्या है? जो ये भीड़ है आपस में, हम पूरी गली हमने पार कर ली, हमें ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पर ऐसा कुछ चीज़ें हो रही हैं। ये देखिए, ये गेट आ गया है जिसे बंद किया हुआ है, ये गेट बंद किया हुआ है क्या? गेट बंद किया हुआ है। अच्छा, कब से? कब से? अच्छा, आने जाना हो रहा है, तो बाहर आ सकते हैं हम लोग? जो गलियां थी हमने आपको दिखाया किस तरह से, जो वहाँ के लोगों की राय थी किस तरह से उन लोगों को नुकसान हुआ, हम लोग बाहर निकल कर आ गए हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की हुई है, किसी को ज़्यादा जाने आने की इजाज़त नहीं है, बट जिन लोगों का काम है वही लोग जा आ सकते हैं। पूरी फोर्स है, पुलिस फोर्स है। ये हम चौराहे पर हम निकल गए हैं, गली से निकल कर, गलियों पर जो गेट है वो लगाए हुए हैं, कुंडी लगाई हुई है, तो हम लोग बाहर आ गए हैं। ये वही जगह है जहाँ पर हिंसा हुई थी शोभा यात्रा निकले। आप देख सकते हैं यहाँ से मस्जिद है, यहाँ पर मस्जिद साफ साफ दिखाई दे रही है, हमने आपको उसका पीछे का पार्ट दिखाया था, और लेकिन अब यहाँ से हम सामने का दिखा सकते हैं, लेकिन इजाज़त किसी को नहीं है अंदर जाने की। अब देखिए उसके आगे ही वहाँ पर मंदिर भी है जो बिल्कुल कोने पे है, वहाँ पे भी बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, द साइड भी बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। जो बीच का एरिया है यहाँ पे जाने किसी को इजाज़त नहीं है। ये देखिए यहाँ पे रस्सी बांधी हुई है, फोर्स खड़ी हुई है, बैरिकेडिंग लगाई हुई है, पूरे जो चौराहा है हर जगह बैरिकेडिंग की हुई है, पूरी इधर भी फोर्स है, पूरी पीछे भी मेरे फोर्स है जहाँ पे मस्जिद पूरी ये घटना हुई थी, इधर की साइड भी पूरी फोर्स है। अब हम यहाँ पे चौराहे पे आ गए हैं जहाँ पे चारों तरफ फोर्स है जो लगी हुई है, ताकि जो माहौल है वो उसको अपने नियंत्रण में रख सकें, ताकि जो हिंसा है वो दोबारा ना भड़क सके। इसी वजह से सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ पर पुख्ता रूप से किए हुए हैं। आप देख सकते हैं जब से हिंसा हुई है, बुलडोजर चला है, लगातार यहाँ पर फोर्स मौजूद है, पुलिस वाले मौजूद है, बैरिगेड्स लगाए हुए हैं, किसी को अंदर बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मीडिया वालों को भी यहाँ पर आके रोक दिया जा रहा है, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त उन्हें भी नहीं है। देख सकते हैं मस्जिद जो है यहाँ पर, जो पूरी हिंसा हुई थी वहाँ पर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा, मीडिया वालों को यहाँ पर रोक दिया जा रहा है। ये पूरा चौराहा है, पूरे बैरिकेडिंग की हुई है, पुलिस वाले मौजूद हैं, फोर्स मौजूद है, किसी को अंदर बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जो हिंसा हुई उससे जो सांप्रदायिक माहौल पैदा हुआ उसमें कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है, खौफ है, और ये पुख्ता इंतजाम इसलिए भी किए हुए हैं ताकि जो हिंसा है दोबारा ना भड़के और लोग सुरक्षित रहें। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए जहांगीरपुरी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।